वो रुपये आप बोले कि हमने दे दिया और इतना पैसा हमने दे दिया, तो पैसा गया कहाँ? हमें आम धरने की तरह ना समझे। हम 27 लाख पूर्व सैनिक हैं, ये लड़ाई सिर्फ हमारे सम्मान की है, पैसे की नहीं है। ये सोच रहे हैं कि चले जाएंगे, लेकिन जाने वाले नहीं है। न्याय होना चाहिए। जब लड़ाई पे जाते थे तो विजय का पताका लेके आते या कफन में लिपट के? अगर नहीं सुना, फिर नहीं सुना तो जो ऊपर से देश मिलेगा जो वो करे। अपना उग्र प्रदर्शन कर ही नहीं रहे ना, हम करना चाहते हैं, हम तो शांतिपूर्वक बैठे। सरकार हमें इस तरीके से बाध्य करेगी तो हम 1000 दिन नहीं, हम 10 साल भी यहीं बैठेंगे, चाहे हमारे को एक के बाद यहाँ पर अपनी जान देनी पड़े। लेकिन ये पूरे के पूरे बदल सकते हैं, इससे डरी हुई है सरकार। नमस्कार, स्वागत है आपका जनहित आवाज पर। मैं हूं आपके साथ ब्यूटी गिरी। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां सैनिकों का, पूर्व सैनिकों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। और ये धरना 1-2 दिन का नहीं है, आज पूरे 133 दिन हो चुके हैं और हार के आज ये लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। भूख हड़ताल यानी ना ये कुछ खाएंगे ना कुछ पियेंगे, क्योंकि इतने दिनों के बाद भी प्रधानमंत्री या किसी भी केंद्र मंत्री से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। आइए हम जानते हैं इनसे क्या मुद्दा है, क्या मामला है और इनकी मांगे क्या है। ये हमारी मांगे, जो हमारा 135 दिन से 20 फरवरी से धरना चल रहा है, हमारी कुछ विसंगतियाँ हैं जिसको दूर करने के लिए हमने केंद्र सरकार को बोला है। और वो इसलिए उन्होंने बोला है, हमारे को देखो आज तक हमारी आवाज़ नहीं सुनी, इसलिए उसी वजह से आज जो 2 जुलाई को हमारा पूरे ऑल ओवर द इंडिया के अंदर भूख हड़ताल चल रहा, 10 बजे से लेकर 4 बजे तक, जैसे सेम जंतर मंतर पर चल रहा है, इसी तरह ही ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो भी जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर DCM के दफ्तर के सामने धरना हमारा चल रहा है। इसी का कि जो केंद्र सरकार जो हमारी विसंगतियाँ उनको दूर करे, नहीं तो 23 जुलाई को जो हमारा एक बड़ा वो भी धरना ही चल रहा है। ये कोई ऐसे कौन सी विसंगतियाँ, कौन सी विसंगतियाँ जो एक रैंक के पेंशन के अंदर है वो चलें, जो MSP है या डिसबिलिटी है या वीर नारियाँ के हैं, वो सारियाँ जो केंद्र सरकार उसको दूर करे। और यही हमारी विसंगतियाँ, इनको दूर कर दे, हमारे 23 जुलाई से पहले दूर कर दे सरकार तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद में जो है एक बड़ी रैली करेंगे। रैली कर रहे हैं, उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। आगे जो आदेश मिलेगा हमारे को, हमारे जो पूरे भारत के प्रधान हैं सूबेदार अर्जन सिंह राठौर, जैसे वो लीड करेंगे, जैसे दूसरे सबका फौजी को बोला जाएगा वो ही हम वैसे करेंगे। क्या लगता है आपकी आवाज़ पहुंच रही है सरकार तक? आवाज़ हमारी डे बाई डे पहुंच रही है, ऐसी बात नहीं है। सरकार के पास पूरी जा रही जितनी हमारी रिपोर्ट है, सरकार मेरे को लग रहा है कि 23 जुलाई से पहले सबका फौजियों की जो आवाज़ है उसको सुनेगी। और अगर नहीं सुना, फिर नहीं सुना तो जो ऊपर से देश मिलेगा, जो सूबेदार अर्जन सिंह राठौर हमारे पूरे इंडिया के प्रधान है, उसको जो बोलेगा, जैसे 23 जुलाई को सारे सबका फौजी पूरे भारत के इकट्ठे हो रहे हैं, तो उसके अंदर जैसे हमारे को देश मिलेगा वो करेगा। तो क्या लगता है उस रैली के बाद आवाज सुन लेगी सरकार? सुनेगी सरकार, नहीं तो अगला जो देश हमारे को मिलेगा इधर से, जो सबका जो एक प्रधान नियुक्त किया हुआ है उसकी तरफ से देश मिलेगा, क्या करना है उस वैसे करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे? हम अपने शांतिपूर्वक अपना धरना कर रहे हैं और अध्यक्ष की तरफ से जो सांकेतिक आज भूख हड़ताल है, एक दिन की 10 बजे से लेकर 4 बजे तक हम हड़ताल, अपना भूख हड़ताल पर बैठे हैं। और जो अगली कॉल है हमारी अभी नेक्स्ट डे, कल से हमारा अलग अलग टीमों में जो सांसदों को ज्ञापन दिया था, अपने अपने ज़िले के सांसदों को जो ज्ञापन दिया था उसके ऊपर हमारी अलग अलग 20-20 की जो है ना टीम बन करके जाएगी और उनको ये चीज़ कन्वेंस करेगी कि आने वाले संसद का जो सत्र चल रहा है उसके अंदर आप हमारी विसंगतियों की और हमारी OR OP2 की जो डिमांड है उसको आप संसद में रखिए। तो हम उनको जो ना उन पर दबाव बनाएंगे, हमारे MPs हैं उनके ऊपर। और ये 1 हफ्ते 10 दिन का हमारा प्रोग्राम है और उसके बाद में जो नेक्स्ट जो कॉल हुई है वो हमारी 23 तारीख को जो है जंतर मंतर के ऊपर हम संसद के घेराव के लिए यहाँ पर एकत्रित होंगे, उसी मुताबिक हम हमारी अभी तक जो रणनीति है वो यही है अभी तक। तो और अगर इतिहास देखें तो सरकार कोई ना कोई बहाना बना के कुछ ना कुछ, जैसे महिलाओं का प्रदर्शन चल रहा था उसके साथ काफ़ी सारी चीज़ें करके और कैसे भी करके हटा दिया गया, वैसा कुछ हुआ तो नहीं? ऐसा देखिए,
हमें आम धरने की तरह ना समझें। हम अनुशासन में रह करके ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हम डिसिप्लिन्ड हैं। और कोई भी संस्था ले लो या कोई भी धरना प्रदर्शन ले लो, जो अनुशासन से वो ज़्यादा मतलब उग्र होता है तो फिर सरकार उनको जो है वो करती है कंट्रोल करने के लिए। तो हम अपना उग्र प्रदर्शन कर ही नहीं रहे, ना हम करना चाहते हैं। हम तो शांतिपूर्वक बैठे हैं और शांतिपूर्वक में हमारा अधिकार है 14 के तहत समानता का, और बोलने का अधिकार है, वो तो हमारा कोई छीन नहीं सकता। हम यहाँ बैठे हैं तो अपने शांतिपूर्वक सरकार को बताना चाह रहे हैं, भाई ये विसंगतियाँ हैं और OP2 में या वन में, उनको जो है ना आप शांतिपूर्वक हमारी बातें सुनिए। आपको 135 दिन हो चुके हैं, हाँ अभी आप भूख हड़ताल भी कर रहे हैं, आवाज़ भी जा रही है सरकार के पास, लेकिन कुछ कर नहीं रही है। ज़रूरत के मुताबिक हमारा जो संगठन है वेटरन्स ऑफ एसोसिएशन, जो हमारे प्रधान हैं, जो हमारे जितने भी इनमें अधिकारी हैं, वो बैठ करके एक संयुक्त जो है निर्णय लिया जाता है कि हमने अभी आगे ये स्टेप लेना है। हमारी रणनीति बनती है, ये नहीं कि भाई हमारे प्रधान ने अकेले ने ये बोल दिया कि भाई कल जो है ना अटैक कर दो, ऐसा नहीं है। एक सामूहिक निर्णय लिया जाता है, कमेटी बैठती है और उसके बाद में ये निर्णय लिया जाता है कि भाई हमारी आगे की रणनीति क्या होगी। और रणनीति हमारी आगे की 23 तारीख है, जो मैं आपको बता चुका हूँ, रैली मतलब संसद का घेराव 23 तारीख को, और यहाँ जंतर मंत्र के ऊपर ही हम शुरुआत करेंगे यहीं से ही, और शांतिपूर्वक करेंगे। और शांतिपूर्वक में हम हमें कौन रोकता है, और यदि जहाँ पर हमें रोका जाएगा हम उधर ही बैठ जाएंगे। उसके बाद में सरकार हमें चाहे उठा करके जेल में डाले, चाहे हमारे को कहीं और ले जाए, हम कोई विरोध नहीं करेंगे। जो सरकार चाहे हमारे साथ में डंडा मारना चाहे तो डंडा बरसाए, गोलियां चलानी चाहे तो गोलियां चलाए, हम जहां एक बार बैठ जाएंगे शांतिपूर्वक से करेंगे। हमारी तरफ से कोई भी ऐसा प्रदर्शन नहीं होगा जो देश का नुकसान हो या हमारे किसी जान माल को हानि पहुँचे। जैसा कि आपने सुना, ये पूर्व सैनिक है और सैनिक एक डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए जाना जाता है, और ये लोग भी अपनी डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे देश को नुकसान हो, या कुछ ऐसी हरकतें नहीं करेंगे भले सरकार इनके साथ जो भी करना चाहे। ऐसे जो आपने एग्जाम्पल दिया साहब को कि जो उनका धरना चल रहा था पहलवानों का, उनके अंदर उनके साथ ऐसे हुआ, उन्होंने जो गलत स्टेप उठाया था, हमारे अंदर जितने भी साहब का फौजी बैठे हुए हैं इनके अंदर कोई भी हम प्रिटिकल नहीं है। ना हमने किसी किसान यूनियन को बुलाया, भले मैं भी किसान का बेटा हूँ, लेकिन फिर भी हमने उनको नहीं बोला कि हमारी मदद करो, ना हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को बोला। हम सिर्फ सबका फौजी हैं, जितने अपने संघर्ष की राह पर चल रहे हैं हम सबका फौजी चल रहे हैं, हम किसी को नहीं बोला। इसलिए हमारे साथ कोई ऐसी बात नहीं, हमारी मांगे जो सरकार को माननी चाहिए जो है हमारी, कोई ऐसे हमारे दिल में ऐसी बात नहीं है। हम तो चाहते हैं कि जो हमारी मांगे हैं सरकार 23 जुलाई से पहले मांग ले, आगे हम देखेंगे फिर। सर कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, हमारी सरकार से ना अभी सिर्फ एक ही डिमांड है। हमारी विसंगतियाँ तो हैं ही, पर जो इमीडिएट जो सरकार हमसे बात करे, टेबल पर बैठे, हमें बुलाए, और हम इसके लिए हमारे प्रधान ने चिट्ठी भी सरकार को दे चुके हैं, ठीक है ना, और उसमें भी हम शांतिपूर्वक तरीके से टेबल पर बैठ करके सरकार से बात करना चाहते हैं और विसंगतियों के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। साथ ही साथ तीन जजों के, सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों, रिटायर्ड जजों को सरकार नियुक्त करे और उनको ये अधिकार दे कि वो पूरे देश में जितने भी एक्स सर्विसमैन के संगठन हैं, चाहे वो सबका के हों, चाहे वो कोई क्या बोलते हैं भाई वीर नारियों के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, मतलब बहुत संस्था हैं, हजारों संस्था हैं देश के अंदर आज के दिन, उन सब से जाकर के स्टेट वाइज जो स्टेट के हेडक्वार्टर हैं उनमें जाकर के अपना पहले से प्रोग्राम दें। और साथ ही साथ सरकार से मैं ये अनुरोध करता हूँ कि उस कमेटी को 3 महीने का टाइम दिया जाए, और कमेटी जैसे ही उसका मतलब अपनी रिपोर्ट पेश करे, उसको सार्वजनिक करे, उसको जनता में सार्वजनिक करे। हमारी सिर्फ ये एक छोटी सी डिमांड है जिससे कि आम जनता को भी, और जो एक्स सर्विसमैन हम जो बैठे हुए हैं धरने के ऊपर, इनको पूर्ण विश्वास के साथ में
लेकर के और उस रिपोर्ट को सार्वजनिक, ताकि आपके जो जो हमारे से अलग जो भाई हैं, देश के नागरिक हैं, उनको भी ये पता चले कि शांतिपूर्वक धरने का कितना अच्छा रिजल्ट आया है। एक संदेश देना चाहते हैं कि शांतिपूर्ण धरने से रिजल्ट निकलता है, रिजल्ट निकलता है, हिंसा से रिजल्ट नहीं निकलता, शांतिपूर्वक धरने से। हम ये चाहते हैं आम जनता में ये संदेश जाए कि फौजियों ने जंतर मंतर पर 133 नहीं 1000 दिन भी हमें बैठना पड़ गया और सरकार हमें इस तरीके से बाध्य करेगी तो हम 1000 दिन नहीं, हम 10 साल भी यहीं बैठेंगे, चाहे हमारे को एक के बाद यहाँ पर अपनी जान देनी पड़े। परंतु हम कोई भी मतलब संघर्ष हर कोई करता है अपने सम्मान के लिए। ये लड़ाई सिर्फ हमारे सम्मान की, ये पैसे की नहीं है, हमारे समानता के अधिकार की लड़ाई है, जिसको हम शांतिपूर्वक धरने के मतलब उससे शांतिपूर्ण रूप से धरना करना चाहते हैं। जैसा कि आपने सुना, कितने भी दिन बैठना पड़े लेकिन पूरे डिसिप्लिन के साथ ही अपनी मांगों को रखेंगे, कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि डिसिप्लिन को हानि पहुंचे। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूँ और आज जो जंतर मंतर पर बैठे हैं भूख हड़ताल पर या पूरे हिंदुस्तान में, सभी को मैं नमन करता हूं, उनका सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपके चैनल के माध्यम से जो भी पूर्व सैनिक पूरे अपने अपने जनपद में बैठे हैं, आज भूख हड़ताल पे हैं, सभी का मैं हार्दिक सलूट करता हूं, सभी को उनके उन जज्बे के लिए। और आज जो वो किस लिए लड़ रहे हैं, जो वीरंगनाएँ हैं, जवान हैं, JCO हैं, विकलांग जो जवान हो गए हैं, उनकी हकों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और वो सरकार से हमारी लड़ाई है कि आप इस पर विचार करिए और इस पर विचार करिए और जो अगर हम गलत हैं तो बोलो गलत हो, हमें समझा दो, और सही है तो आप न्याय करो, न्याय होना चाहिए। ये बातें जो है सरकार को अच्छी तरह पता है, वो पूरा उसके पास कैलकुलेशन है पूरा कि हम 27 लाख पूर्व सैनिक हैं और 27 लाख पूर्व सैनिक परिवार के साथ एक में पांच जोड़ो तो कितना हो जाएगा, और इसमें मानता हूँ 5-10% नहीं आएंगे, लेकिन ये पूरे के पूरे बदल सकते हैं। इससे डरी हुई है सरकार घबराई हुई है, लेकिन अब वो कुछ सोच रहे हैं करने की और जल्दी ही वो कोई ना कोई कमीशन बैठाएंगे, जांच करेंगे और हमारे हक को देंगे वो। यही तो बात है कि जब इलेक्शन आता है तो मोदी जी सेना के नाम पर वोट मांगते हैं, सेना के साथ मिलने जाते हैं, चाय पीते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन जब सेना बैठी हुई है यहाँ पे तो बोल क्यों नहीं रहे हैं? सेना बैठी है, उनके पास पल पल की खबर है, वो जो हर चीज हमारी जान रहे हैं, हमारी ताकत को जान रहे हैं कि इनमें कितना ताकत है, वो सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं कि हो सकता है जल्दी चले जाए, थोड़े दिन में चले जाएंगे, लेकिन जाने वाले नहीं हैं। हार मानने ये जवान हैं, जब लड़ाई पे जाते थे तो विजय का पताका लेके आते या कफन में लिपट के आते, दो ही चीज हमारा एम होता है, तो हम ये एम वहाँ से भी सीखे हैं और यहाँ से भी हमारा यही लक्ष्य है, हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं जब तक कि हमारे साथ न्याय हो। मैं नहीं चाहता बोलता कि आप जो है सरकार की पूरी संपत्ति हमें दे दो, हमारा जो उचित है, आप बोल रहे हैं कि आपको मिला है तो आप दीजिए, हमें बताइए, हमारी कमेटी है बुला के समझाइए कि ये सबको मिला ही नहीं है, यहाँ तो माइनस में सब हैं, यहाँ बहुत सारे लोग माइनस में बैठे हैं। जब वो आरोपी आप बोले कि हमने दे दिया और इतना पैसा हमने दे दिया तो पैसा गया कहाँ, इसकी तो जांच कराना चाहिए, सरकार कराएगी ना, और तो कोई नहीं कराएगा, तो सरकार इसकी जांच कराए और जांच करा कर हमें समझा दे कि आपको कितना मिला है, 200 मिला, 400 मिला, 500 मिला वहाँ पर, ये नया इनको तो इसको कैंसिल करना पड़ेगा, ये तो चलेगा नहीं, ये कैंसिल करके और नया सिरे से इसको बनाए और सभी का जो समस्या है सभी की बातें सुने और जो वीरंगनाएं हैं, चाहे डिसेबल हो गए लोग या जवान हैं, ये 20 साल 25 साल सर्विस करके चले आते हैं 40-45 की उम्र में, तो इनके पास और उस समय तो सारी समस्याएं घर की रहती हैं, उस समय ही आ गए और इनका इंक्रीमेंट भी नहीं बढ़ता है इतना,
इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता कि वो पेंशन इनको ज़्यादा मिल सके, इसलिए इनके लिए वो आरोपी किया गया था और आज वो आरोपी कोई और ले जा रहा है, हम तो उससे वंचित होते जा रहे हैं, यही है। ये पूर्व सैनिक है और सैनिकों का एक ही रूल होता है कि या तो वो जीत के जाएंगे या फिर कफन में लिपट कर जाएंगे, हार मानने का कोई सवाल नहीं है। सर आप कुछ कहना चाह रहे थे? जो भी साहब ने विसंगतियाँ दिया है, सारा कुछ किया है, तो उसके बारे में इनको हल करना चाहिए सरकार को शांति से, जैसे पहले से हम तो एक मंत्र में पहले से सीखा है कि हमें वादा नहीं करना, हमें उस तरीके से डिसिप्लिन में चलना है, उसी तरीके से हम डिसिप्लिन में चलते हैं तो उसी तरीके से ही हमारा सरकार ने सुनना चाहिए बात, जो भी कमी पेशी है उसको दूर करना चाहिए, दूर नहीं करेगी जब तक हम जहां पर इस धरने को चालू रखेंगे तो आगे जो भी हमारे सीनियर हमारे को इजाज़त देंगे उसके मुताबिक चलेंगे। तो जैसा कि आपने सुना, ये धरना अभी ख़त्म होने का कोई नाम लेने वाले नहीं है, ये तब तक चलता रहेगा जब तक सरकार सुन नहीं लेती। और इनका साफ तौर पर कहना है कि हम सैनिक हैं, हमें या तो जीत कर जाते हैं या कफन में लिपट कर जाते हैं, हार नहीं मानते। जैसा कि आप सुन सकते हैं कि मेरे पीछे कैसे भारत माता की जय के जयकारे लग रहे हैं, ये लोग देशभक्त हैं और देश हित में रहकर काम करना चाहते हैं।